हेलो गाइस, यूनिट नंबर सेकंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर कंटिन्यू करूं, बट यूनिट नंबर फर्स्ट में समझाने वाली बातें बहुत ज़्यादा हैं और इसके रिगार्डिंग आपको यूट्यूब में भी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ जा कर के इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि मैं खामोखा एफर्ट्स अपने पुट करूँ और यूनिट नंबर सेकेंड आप बहुत बेहतर तरीके से यूट्यूब से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझाऊं। ओके, तो समझदारी इसी में होगी कि यूनिट नंबर फर्स्ट आप यूट्यूब से देख करके कवर कर लें। आज ही आज का मेरे पास टाइम है, कल हम लोगों का एग्ज़ाम है, तो मैं केवल यूनिट नंबर सेकंड की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। इनकेस अगर आप यूनिट नंबर फर्स्ट में फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शॉर्ट वीडियो उसमें बना दूंगा, बट मैं यही बोलूंगा कि उसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दो टॉपिक अब हमारे बचते हैं, अकाउंटिंग फॉर कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। अकाउंटिंग फॉर कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में भी मैं इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूँ, और वो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक अकाउंटिंग या जितना इंपॉर्टेंट कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डबल अकाउंटिंग सिस्टम। तो इस वाली वीडियो और इससे अगली वीडियो में मैं अकाउंटिंग फॉर कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कवर कर दूंगा। लेकिन मेरी बात को समझना, अकाउंटिंग फॉर कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग केवल इतना ही नहीं जो मैं इस वाली वीडियो और अगली वीडियो में करवाऊंगा, वो भी है जो मैं ऑलरेडी इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन आपको करवा चुका हूँ, क्योंकि इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का ही पार्ट माना जाता है। ओके, नाउ सी, हमारे पास सबसे पहले क्या टॉपिक आता है, अकाउंटिंग फॉर कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। जो कॉरपोरेट है, जो कंपनीज हैं, ये आपस में रिस्ट्रक्चर्ड होती हैं। रिस्ट्रक्चर्ड मतलब दो कंपनीज आपस में मिलकर के एक नई कंपनी बना रही हैं, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, एक कंपनी ने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। ये सभी किसका पार्ट माना जाता है, ये सभी माना जाता है आपका कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट। अब जो हम कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, कॉरपोरेट को चेंज कर रहे हैं, अमलगमेशन कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये सारे आपके कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पार्ट माने जाते हैं। तो आप इनकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, आप इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे करोगे, बेसिकली हमें वही यहाँ पर पढ़ना है। बात क्लियर भी ठीक है। एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रीज़न बताओ कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करते क्यों है। मुझे खुद बताओ, ए कंपनी बी कंपनी के साथ मिल गई तो क्यों मिल गई। भाई, ए कंपनी ने बोला कि मेरे पास 2 लाख रुपए की एसेट है, आपके पास 2 लाख रुपए की एसेट है, हम दोनों मिल जाते हैं, हमारे पास 4 लाख रुपए की एसेट हो जाएंगे। ए ने बोला कि मेरे पास एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन तुम्हारे पास मैनेजर्स बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, तो एक काम करते हैं, मेरा पैसा और तुम्हारा दिमाग, हम दोनों मिल करके बिजनेस करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें फ़ायदे हैं, इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करती हैं। तो देखो, पहला लिखा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा उठाने के लिए। पहले एक कंपनी मिलकर के 2000 यूनिट बनाती थी, बी कंपनी अकेले 2000 यूनिट बनाती थी, अब ये दोनों जब मिलेंगे तो आपके 6000 यूनिट्स बनाने लगेंगे। क्यों, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। मैंने बोला था कि 2 और 2 मिलकर के, बिजनेस में हम कहते हैं कि 2 और 2 4 नहीं होता, 2 और 2 5 होता है, 2 और 2 6 होता है। ये अकेले 2000 यूनिट बनाता था, ये अकेले 2000 यूनिट बनाता था, मिल गए 6000 यूनिट्स बना रहे हैं, 7000 यूनिट्स बना रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा। तो पहला रीज़न ये है कि आपकी सेल बढ़ जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा होता है। क्या अंदर भी आपको एक्सप्लेन करना है, अगर एग्जाम में पूछ ले तो ही एक्सप्लेन करना, नहीं तो आप केवल पॉइंट से याद रखो क्या कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलता है। दूसरा, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, वही बात मैंने बोली, 2+2 आपका बिजनेस की लैंग्वेज में कभी भी 4 नहीं होता, वो उससे ज़्यादा होता है, दिस इज कॉल्ड सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। आपने पढ़ा होगा उसमें, जो लास्ट पेपर किस चीज़ का था, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यस, SM में आपने पढ़ा होगा, इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट। तो वही बात है, ए ने बोला कि यार मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तेरे पास दिमाग है, तेरे पास अच्छे अच्छे मैनेजर्स हैं, तो अपनी मैनेजमेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम दोनों मिल जाते हैं। टैक्स एडवांटेजेस, टैक्स के कई बार बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं आपको, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा अमलगमेशन में, तो जब हम पढ़ते थे टैक्स कंसेशन इन केस ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी, टैक्स कंसेशन इन केस ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी, एंड टैक्स कंसेशन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। तो टैक्स के भी आपको एडवांटेजेस मिलते हैं। टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज,
ए कंपनी कहती है मेरे पास ये वाली टेक्नोलॉजी है, बी कंपनी कहती है मेरे पास ये वाली टेक्नोलॉजी है, दोनों मिलाकर के उन दोनों टेक्नोलॉजीज को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा आपके लिए फ़ायदे की बात बताई गई थी कि अगर आप कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है सबसे पहले अमलगमेशन। ये तो यार अब आपको रट चुके होंगे कि अमलगमेशन क्या होता है। ए कंपनी और बी कंपनी मार्केट में है, इन दोनों कंपनी को सी कंपनी ने एक्वायर कर लिया, तो हम बोलेंगे अमलगमेशन हो गया। तो देखो क्या लिखा है, अमलगमेशन इज़ यूज्ड व्हेन टू और मोर कंपनीज कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस गो इनटू लिक्विडेशन। ए कंपनी भी बंद हो गई, बी कंपनी भी बंद हो गई, एंड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर द देयर बिजनेस, और एक नई कंपनी खुल गई जो इन दोनों के बिजनेस को एक्वायर कर लेगी। तो होता क्या है, ए ने अपनी एसेट एंड लाइबिलिटी सी को दे दी, बी ने अपनी एसेट एंड लाइबिलिटी सी को दे दी। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ए और बी मिलकर के सी बना रहे हैं, लेकिन ए और बी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि चलो छोड़ो, तो ये बात आपको समझ आ गई, इसको हम कहते हैं अमलगमेशन। उसके बाद वो कहते हैं एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर कर लिया, यानी कि बी कंपनी की एसेट एंड लाइबिलिटी किसके पास चली गई, ए कंपनी के पास। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है। तो बी आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी थी, ए भी आपकी एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग का मतलब समझते हो ना, जो अभी हैं, तो बी भी है, ए भी है। बी ने किसको ले लिया, ए को, या ए ने किसको ले लिया, बी को। तो यहाँ पर बंद कौन सी होगी कंपनी, बी कंपनी बंद हो जाएगी, ए कंपनी चलती रहेगी। अगर ए को एक्वायर कर लिया बी ने, तो बी कंपनी चलती रहेगी, ए कंपनी बंद हो जाएगी। मेरी बात आ गई आपको समझ, ओके। अब वो कहता है कि अमलगमेशन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले अमलगमेशन, तो आपको पता है कि अमलगमेशन क्या होता है, जरा मैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बता दूं कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। हाँ बता दो, देखो ये है आपका यूटीआई। यूटीआई बहुत पहले एक यूटीआई आपका बैंक हुआ करता था, इसमें बहुत सारे घोटाले हुए, स्कैम्स हुए, और इसका नाम बदल के उन्होंने क्या कर दिया, एक्सिस बैंक रख दिया। सोचो, क्या आपने कभी सोचा था कि जो एक्सिस बैंक है उसका नाम पहले कभी पास्ट में यूटीआई बैंक हुआ करता था, नहीं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो क्या करती हैं कंपनीज, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्ट कर देती है अपने को। वो कहती हैं कि चलो देखो, अब आप बोलोगे अमलगमेशन में भी तो यही हो रहा था, ए कंपनी का बिजनेस बी कंपनी ले दे रही थी। तो मैं कह रहा था कि अमलगमेशन में दोनों ही एग्जिस्टिंग कंपनीज थी। क्या यहाँ पर एक्सिस बैंक पहले था ना, एक्सिस बैंक बनाया गया किसके बिजनेस को एक्वायर करने के लिए, यूटीआई के बिजनेस को एक्वायर करने के लिए। रिपीट करके देखते रहना अगर समझना है तो। ये चीज़ यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखो एमलगमेशन का मीनिंग क्या है, टू और मोर कंपनीज आर वाउंड अप, दो और दो से ज़्यादा कंपनीज बंद हो जाती हैं, एंड न्यू कंपनीज फॉर्म टू टेक ओवर देयर बिजनेस, और नई कंपनी को फॉर्म किया जाता है उनके बिजनेस को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है, अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। इसमें क्या होता है, जो पुरानी कंपनी थी उसका बिजनेस किसने ले लिया, नई कंपनी जो बनी, नई कंपनी बनाई जाती है किसके लिए, कि पुरानी कंपनी का बिजनेस लेने के लिए। और ज़्यादा क्लियर होगा भी आपका पॉइंट। मिनिमम नंबर ऑफ कंपनीज, कम से अमलगमेशन में कम से कम आपको कितनी कंपनीज चाहिए, तीन कंपनीज तो चाहिए चाहिए। क्यों, क्योंकि अमलगमेशन में क्या बोला था मैंने, अमलगमेशन का मतलब है ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, सी कंपनी आई, नई कंपनी आई सी कंपनी, और उसने इन दोनों के बिजनेस को एक्वायर कर लिया। तो मुझे बताओ, एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, तीन कंपनी का होना तो जरूरी है ना। तो एटलीस्ट थ्री कंपनीज आर इन्वॉल्व, कम से कम ओनली टू कंपनीज आर इन्वॉल्व। यूटीआई चेंज हो गया एक्सिस बैंक में, ठीक है। तो कम से कम दो कंपनीज आती है ना, किसमें, आपकी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में। एब्जॉर्प्शन की बात हम यहाँ पर कर ही नहीं रहे अभी, एब्जॉर्प्शन तो केवल मैंने ये लाइन बताई थी आपको, उसके अलावा मैं कुछ डिस्कशन अगर एब्जॉर्प्शन के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या होता है अमलगमेशन का, अमलगमेशन का ऑब्जेक्टिव वही होता है जो मैंने ऊपर बताया था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और कंपटीशन को खत्म करने के लिए। अब जैसे आपके आइडिया और वोडाफोन है, पहले दोनों कॉम्पिटिटर थे, अब रिलायंस को पीछे करने के लिए दोनों एक साथ आ गए, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं अमलगमेशन, एक साथ आ जाते, क्यों आ जाते, कॉम्पिटिशन को खत्म करने के लिए, है ना। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इज डन टू रीऑर्गेनाइज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। अब यूटीआई बदल गई आपकी किसमें, अब जो यूटीआई है वो चेंज हो गई आपकी एक्सिस बैंक में। तो क्यों भी,
क्योंकि इसके अंदर लॉसेस हो गए थे बहुत ज़्यादा, उन लॉसेस को कवर करने के लिए हमने एक्सनल रिकंस्ट्रक्शन कर दिया और एक नई कंपनी बना दी। तो ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको क्या याद रखना है कि अमलगमेशन क्या होता है, एक्सनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें कम से कम 3 कंपनीज की रिक्वायरमेंट तो होती है, इसमें कम से कम 2 कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्जेक्टिव आपको पता रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख लो, ए एंड बी अमलगमेटेड टू फॉर्म सी कंपनी, बी लिमिटेड इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग ए लिमिटेड। तो ऐसे कह सकते हो कि एक्सिस बैंक फॉर्म किया गया यूटीआई बैंक को खरीदने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप ए और बी का एग्जाम्पल दे सकते हो कि दोनों मिलकर के सी कंपनी बना लेती हैं, ठीक है। इतनी बात आ गई आपको समझ में? देखो यार, जल्दीबाजी में तो ऐसे पढ़ा सकता हूँ मैं, अब याद कर लो बस। देखो अमलगमेशन भी ना दो तरह के होते हैं, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है ना, और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। तो हमने पूछा कि जो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, अगर वो हमें पता लग जाए तो उसके अलावा जो भी बच गया वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पूछा कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है, तो AS 14 ने बोला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने बोला, AS 14 कहता है कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का मतलब है कि अगर आप अमलगमेशन करते हैं, अमलगमेशन का मतलब समझ गए ना, ए कंपनी बी कंपनी को एक्वायर कर रही है, ठीक है। अब देखो, वैसे तो मैंने एब्जॉर्प्शन क्या बोला था कि ए कंपनी है और ये बी कंपनी है, अगर ए कंपनी का बिजनेस बी कंपनी ने ले लिया तो हम उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बट अब यहाँ पे आप समझना कि अकाउंटिंग के पर्पस से कोई डिफरेंस नहीं होता, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जो मैंने ऊपर ये टर्म्स आपको बताई, अमलगमेशन ये मैंने आपको बताया, ठीक है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ये भी मैंने आपको बताया, एब्जॉर्प्शन ये भी मैंने आपको बताया, वैसे तो तीनों अलग अलग हैं लेकिन अकाउंटिंग के पर्पस से तीनों एक ही हैं, ठीक है। अगर मैं अमलगमेशन कहता हूं तो तीनों का मतलब अमलगमेशन ही है अकाउंटिंग के पर्पस से, ध्यान रखना। ऊपर आपको डिफरेंसेस तो लिखने हैं, लेकिन आपको लिख देना है कि फॉर अकाउंटिंग, जो इनकी अकाउंटिंग एंट्री वगैरह होंगी वो सारा एक ही सिस्टम है, तो हम उसको केवल और केवल क्या बोलने लग जाते हैं, अमलगमेशन, दैट्स इट, ओके। तो अब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस मर्जर हम सबसे पहले देखते हैं। अब देखो, अगर ये 5 शर्तें पूरी हो जाती है तो हम बोलेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हुआ है, और अगर ये 5 शर्तें पूरी नहीं होती, कोई भी एक शर्त इससे रह जाती है, तो हम बोलेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस हुआ है, ठीक है। तो 5 कंडीशंस क्या क्या हैं, बड़ी ही सिंपल कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या कहती है कि ये ए कंपनी है और ये बी कंपनी है, ए कंपनी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटी बी के पास चले जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वैसे तो अलग अलग हैं लेकिन अकाउंटिंग के पर्पज से हम एक ही मानते हैं उनको, ठीक है ना। तो अब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब माना जाएगा, जब ए कंपनी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटी बी के पास चले जाएं, ओके। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। फिर वो कहता है कि ए कंपनी जब बी को अपनी एसेट और लाइबिलिटी देगी तो बी कंपनी के बदले में इसको पेमेंट करेगी, हाँ वो पेमेंट आपकी इक्विटी शेयर्स में होनी चाहिए, ओके। यानी कि पेमेंट कैश में ना करे, इक्विटी शेयर में करे, ओके। तीसरी शर्त, ए कंपनी का जो बिजनेस था वो बिजनेस कंटिन्यू करे बी कंपनी, तो ये चौथा पॉइंट आपका लिख रखा है, हाँ मुझे मालूम है मैंने दूसरा पॉइंट छोड़ा है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट कहता है कि ए कंपनी की जो बैलेंस शीट वगैरह रही होंगी, बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू लिखी होगी है ना, और जब आप उन एसेट्स एंड लाइबिलिटी को अपनी बैलेंस शीट में लिखोगे तो आप उनकी बुक वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। अगर यहाँ पर 1 लाख रुपए की एसेट लिखी है तो आप यहाँ पर भी उसको 1 लाख रुपए की लिखोगे, ठीक है ना, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, शेयर होल्डर्स होल्डिंग 90% फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। अब देखो, ए कंपनी है, ए कंपनी की शेयर कैपिटल होगी, होगी शेयर कैपिटल, हाँ होगी। इन शेयर कैपिटल की कुछ फेस वैल्यू होगी, हाँ होगी। उस फेस वैल्यू का 90% निकालो, और जितने शेयर होल्डर के पास वो 90% के बराबर शेयर्स हैं वो तैयार हो जाएं बी कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने के लिए। मेरी बात आपको समझ आ चुकी होगी आई होप। अब इसको एक बार रीड कर लेना, क्या लिखा है वो सिंपली आप समझ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सिंपलिसिटी के लिए एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ, ये रही ए कंपनी, ये है आपकी बी कंपनी। ए कंपनी का बिजनेस किसने ले लिया, बी कंपनी ने। क्या ए कंपनी अब बचेगी, नहीं बचेगी, यानी कि ए कंपनी अब क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी।
पिघल जाएगी, या मैं कह सकता हूँ मेल्टिंग हो जाएगा ए कंपनी का। अगर मैं लिख दूं कि ए कंपनी आपकी अमलगमेटिंग कंपनी है, अमलगमेटिंग, तो आप देखोगे मेल्टिंग और मेटिंग एक ही तरह का साउंड आ रहा है ना, और ये कंपनी कौन सी हो जाएगी, अमलगमेटेड। आप बोलोगे मैं समझा कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कई बार दोस्तों को ना इन दोनों नाम में कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें से अमलगमेटिंग कंपनी कौन सी है, इनमें से अमलगमेटेड कंपनी कौन सी है। तो सिंपली आप बात याद रखना कि इन दोनों कंपनी में से एक कंपनी तो बंद होगी, बंद होने का मतलब मैं कह सकता हूं कि वो लिक्विडेट होगी, मेल्ट होगी, मेल्ट, और मेल्ट मतलब मेल्टिंग, और आपको मालूम है कि इन दोनों में से एक का नाम अमलगमेटिंग है। तो मैं कह रहा हूं जो कंपनी मेल्टिंग हो रही है उसको हम बोलते हैं अमलगमेटिंग, तो ऑटोमेटिकली दूसरी क्या हो जाएगी, अमलगमेटेड। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे ना आपको दिक्कत होगी कि कौन सी अमलगमेटिंग है, कौन सी अमलगमेटेड है। फिर वहां पर आप बोलोगे अरे ए वाली कौन सी थी, अमलगमेटिंग या अमलगमेटेड। तो सिंपली आपको बोलना जो कंपनी बंद हो रही है वो क्या हो रही है, मेल्टिंग हो रहा है उसका, मेल्टिंग यानी कि अमलगमेटिंग। तो आपको याद आ जाएगा कि अमलगमेटिंग कंपनी जो कंपनी बंद हो रही है, और दूसरी कंपनी जो इसका बिजनेस एक्वायर कर रही है उसको हम कहते हैं अमलगमेटेड कंपनी। ठीक है, तो यहां पर देखो ऑल द एसेट्स ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी, अब याद आ रहा होगा आपको अमलगमेटिंग यानी कि ए कंपनी, बिकम्स द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी। ठीक है, शेयर होल्डर्स होल्डिंग 90% फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स रेडी टू बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी, बी कंपनी के शेयर होल्डर बनने को तैयार हो जाए। परचेस कंसिडरेशन इज पेड इन इक्विटी शेयर्स, वो बदले में जो पे करेगा जिसको हम परचेस कंसिडरेशन कहते हैं वो आपके इक्विटी शेयर्स में ही मिलना चाहिए, किसको, अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को। ऑलराइट, उसके बाद कहता है बिजनेस ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी, जो बिजनेस है किसका, अमलगमेटिंग कंपनी का, ए कंपनी का, वो बिजनेस कंटिन्यू करे कौन, बी कंपनी। ठीक है, अगर ए का टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस है तो बी भी उसको एज ए टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस को ही कंटिन्यू करे। फिर यहाँ पे लिखा है कि जो अमलगमेटिंग कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जितनी बुक वैल्यू थी उसी बुक वैल्यू में आपको अपनी अकाउंट में भी क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आप ये सभी कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं तो हम क्या बोलेंगे, आपका अमलगमेशन हुआ है इन द नेचर ऑफ मर्जर, और इसको हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछ लेगा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या है, तो आप कंफ्यूज मत होना, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर को ही हम क्या कहते हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, याद रहेगा बिल्कुल। उसके बाद आता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, अगर आपसे पूछ दे कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस क्या होता है, तो आप बोलोगे जो चीज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं हो पाती, या अगर अमलगमेशन मर्जर की 5 कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाती तो हम बोल देंगे कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस हुआ है। क्या इनमें से सभी कंडीशंस को हमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, द आंसर इज यस। अगर आप 4 कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं, एक नहीं कर पाते, तो हम क्या बोलेंगे, आपका अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हुआ, परचेस हुआ है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे आपको टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपको टैक्स का बेनिफिट चाहिए तो आप इन 5 कंडीशंस को फुलफिल करके मर्जर अपना अमलगमेशन करें। अगर आप इन 5 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन को मिस कर देते हैं तो वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस माना जाएगा। तो एग्जाम में अगर वो आपसे पूछे कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस क्या है, तो आप बोलोगे सिंपली जो 5 कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर वाली, तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस माना जाता है, और उन 5 कंडीशंस को आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, अब बारी आती है परचेस कंसिडरेशन की, मोस्ट सिंपल पॉइंट। मैंने क्या बोला था, ये है ए कंपनी, ये रही बी कंपनी, ए कंपनी की सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बी के पास चले गई, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बी के पास चले गई। तो बी कंपनी अब ए कंपनी को क्या देगा, पैसा देगा, रोकड़ा देगा, कैश देगा, परचेस कंसिडरेशन देगा, यानी कि कुछ तो देगा। अरे आपने अपना घर किसी को बेच दिया तो फ्री में बेच दोगे क्या, या कुछ वापस लोगे उससे, पेमेंट लोगे उससे, तो उसी पेमेंट को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, परचेस कंसिडरेशन। हर बार बोलता हूँ, फिर से बोलूंगा, हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो यहाँ पर आप पेमेंट नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप परचेस कंसिडरेशन लिखोगे। ठीक है, अब सवाल आता है कि कितनी पेमेंट वो करेगा, ये इस चीज़ का हम पता कैसे लगाएं। तो कहता है कि इस चीज़ को निकालने के 2 मेथड है, परचेस कंसिडरेशन निकालने के 2 मेथड है, कितनी पेमेंट करनी है इसको निकालने के 2 मेथड है। एक है आपके पास नेट पेमेंट मेथड, और एक है आपके पास नेट एसेट मेथड। ओके, अच्छा आपका घर खरीदने के लिए मैं आया,
मैं आपका घर खरीदने के लिए आया। मैंने कहा आपके घर की कीमत कितनी है। मैंने क्या बोला? आपके घर की कीमत कितनी है। आपका घर एसेट है या नहीं है? तो यानी कि मैंने आपसे क्या बोला? आपके घर की नेट कीमत कितनी है, नेट एसेट मेथड। आपने बोला जी 2 करोड़ रुपए। मैंने कहा ये लो 2 करोड़ रुपए, अपना घर मुझे दो। यानी कि मैंने आपको परचेस कंसिडरेशन दिया किस मेथड के थ्रू, नेट एसेट मेथड के थ्रू। मैंने क्या बोला? आपकी नेट एसेट कितनी है। नेट एसेट का मतलब आप बताओ आपकी एसेट्स कितनी है, उसमें से लायबिलिटी माइनस करो, उतना पेमेंट मैं कर दूंगा। ओके, तो नेट एसेट मेथड परचेस कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के 2 मेथड है। नेट एसेट मेथड में क्या होता है, सारी एसेट लिखो और सारी लायबिलिटी लिखो। एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दो, जो भी बैलेंस आएगा वो आ जाएगा आपके पास नेट एसेट मेथड के थ्रू परचेस कंसिडरेशन। एग्जांपल के तौर पर आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, ये अमाउंट क्या अपनी मर्जी से लिख सकते हो? हाँ। उसके बाद आपके पास लायबिलिटी है, क्रेडिटर से डिबेंचर होल्डर है, अपनी मर्जी से अमाउंट लिख सकते हो? हाँ। बस ये कर देना कि एसेट ज़्यादा दिखा देना, लायबिलिटी कम दिखा देना। अब सॉल्यूशन यहाँ पर उसने बताया है, क्या सॉल्यूशन बताया है? सॉल्यूशन कहता है कि सभी एसेट्स को लिख दो। लो जी, हमने लिख दी सारी एसेट, हमने लिखी तो 20 लाख की एसेट है, सारी लायबिलिटी हमने लिखी 7 लाख की हैं, तो परचेस कंसिडरेशन क्या आ गया, परचेस कंसिडरेशन आपके पास आ गया 14 लाख रुपए। क्लियर है? तो यानी कि जो बी कंपनी है, बी कंपनी ए कंपनी को क्या पे करे, 14 लाख रुपीज पे करे, और उस 14 लाख को हम क्या बोलेंगे, परचेस कंसिडरेशन, याद रहेगा। ओके, उसके बाद आता है नेट पेमेंट मेथड। अच्छा, मैं आपका घर परचेस करने के लिए आया, आपने बोला कि मेरे घर की कीमत है इतनी, मेरे घर की कीमत है उतनी। मैंने कहा छोड़ो यार इन सारी बातों को, मैंने कहा सीधा सीधा अपने मुंह से बताओ कितना पे करूं, कितना पे करूं, सीधा बताओ। तो उन्होंने बोल दिया चलो मुझे 8 लाख रुपए पे कर दो या मुझे 6 लाख रुपए पे कर दो। इसको हम कहते हैं नेट पेमेंट मेथड। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप मार्केट में गए और MRP लिख रखी थी किताब में 25 रुपए, तो आपने 25 रुपए पे किए और आप बुक लेकर के आ गए, तो आप बोलोगे मैंने नेट एसेट मेथड से पेमेंट करी, मैंने देखा कि एसेट की कीमत कितनी है, बुक की कीमत कितनी है, 25 रुपए पे करके आ गया मैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता क्या, आप बुक लेने के लिए गए और आप बोलते हो यार ऊपर नीचे थोड़ा लगाओ इस चीज़ को, रेट वगैरह थोड़ा तो करो कुछ, एडजस्टमेंट वगैरह बार डिस्काउंट वगैरह कुछ, तो वो कहते चलो 25 रुपए की किताब है आप 20 में दे दो। तो आपने एक्चुअल में पेमेंट कितनी करी, आपने एक्चुअल में तो पेमेंट 20 रुपए करी ना। हाँ, तो उसको हम कहते हैं नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में आप ये नहीं बोलते एसेट कितने की, लायबिलिटी कितने की, भाड़ में जाए, आप बोलते हो मैंने पेमेंट कितने की करी, तो वो आपका नेट पेमेंट मेथड होता है। अगर आपसे मैं पूछूं नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड में कौन सा मेथड ज़्यादा लॉजिकल है, कौन सा मेथड ज़्यादा लॉजिकल है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप आलू कितने रुपए के खरीद के लाए, आपने बोला जी 20 रुपए किलो थे, तो मैं सोचूंगा कि आप 20 रुपए के खरीद के लाए, लेकिन आपने बोला मैं 15 में लेकर के आया, तो लॉजिकल ज़्यादा क्या लगा, आपने एक्चुअल में क्या पे किया, 15 रुपए ना, तो ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा है, नेट एसेट मेथड या नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड, आपने जो एक्चुअल में पे किया वो ज़्यादा अच्छा मेथड है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना कि नेट पेमेंट मेथड हमेशा अच्छा होता है। इस बात को आप लिख भी सकते हैं कि नेट पेमेंट मेथड आपका अच्छा मेथड माना जाता है। ओके, अब नेट पेमेंट मेथड की हम लोग बात करते हैं, ये कैसे कैलकुलेट होता है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल के तौर पर ये रही आपकी ए कंपनी और ये है आपकी बी कंपनी। ए कंपनी के एसेट एंड लाइबिलिटी बी ले गया और बी कंपनी बदले में क्या देगा, परचेस कंसिडरेशन देगा, पेमेंट करेगा। तो बी ने क्या बोला, मैं कितना पे करूंगा, बी लिमिटेड ने बोला मैं 5 शेयर्स दूंगा आपको। कितने शेयर दूंगा, 5 शेयर दूंगा जिनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, जिनकी मार्केट वैल्यू है 100 रुपए। हर 10 शेयर के बदले हेल्ड इन ए लिमिटेड। क्या बोला बी ने, बी ने बोला देखो ए कंपनी के शेयर होल्डर्स, मैं आपको 5 शेयर दूंगा आपको, मतलब जिसने जिसके पास 10 शेयर्स होंगे ना उसको मैं दूंगा 5 शेयर्स। मेरी बात समझ आ गई आपको, जिसके पास 10 शेयर्स हैं 10 के बदले में कितने दूंगा, 5 शेयर दूंगा। तो कहते हैं मैं 5 शेयर दूंगा किसके बदले, 10 के बदले, और 1 शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपए, और ए लिमिटेड के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 50,000, 50K। तो ये जो अमाउंट निकलेगा इस अमाउंट को हम बोलेंगे परचेस कंसिडरेशन। ये हो गई नेट पेमेंट मेथड, नेट इसने पे कितना किया। ठीक है, तो एग्जांपल आपको याद रखना है कि बी लिमिटेड कहता है कि मैं ए लिमिटेड को पे करूंगा, ए लिमिटेड के अंदर हर 10 शेयर के बदले में कितने शेयर दूंगा, 5 शेयर दूंगा। ओके, तो ए लिमिटेड के पास शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 50,000,
अब कोई कुछ बातें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, आई नो, ठीक है, लेकिन रट लेना इसको, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं जी सॉल्यूशन, देखो हम कहते हैं हमने पेमेंट किसको किया, हम कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया, ठीक है। पेमेंट हमने किस में किया, इक्विटी शेयर्स में पेमेंट किया। अब इसकी वर्किंग निकालना है, 5 शेयर देंगे हर 10 के बदले और नंबर ऑफ शेयर्स कितने 50,000 मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू कितनी है, तो टोटल हम कितना अमाउंट दे देंगे, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए नहीं है 25 लाख रुपए। तो टोटल मैं कितना पे करूंगा, 25 लाख रुपए। आपको इतनी बात समझ आई या नहीं आई भाई, यही था आपका नेट पेमेंट मेथड। तो कहता है एज पर सेक्शन, एज पर AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या कहता है, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज डिटेल ऑफ पेमेंट बाय न्यू कंपनी फॉर द शेयर होल्डर्स देन PC विल बी कैलकुलेट। इसको सिंपली आप ऐसे लिख लो कि नेट पेमेंट मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेट पेमेंट मेथड में आप सबसे पहले लिखोगे कि हमने किसको पेमेंट करी, तो या तो जो पेमेंट हो रही होगी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हो रही होगी या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होगी। पेमेंट आपने किस में करी, यहाँ पे लिखा एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं आप, शेयर से दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, डिबेंचर दे सकते हैं, इन एनी फॉर्म। वर्किंग, वर्किंग ये जैसे मैंने करी, आप कुछ वर्किंग करोगे, अमाउंट जैसे 2.5 लाख आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जो ए कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उन्हें भी कुछ पे करोगे, किस फॉर्म में पे करोगे, किसी भी फॉर्म में पे कर सकते हो, कैश में दे सकते हो, डिबेंचर में दे सकते हो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, किसी में भी। वर्किंग कैसे होगा, वही हर 10 शेयर के बदले आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, 5 शेयर मिलेंगे। एक शेयर की कीमत कितनी है, मार्केट वैल्यू 100 रुपये, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 50,000, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 25 लाख। ओके, तो अभी यहाँ तक देखो, इसके बाद एक वीडियो हमारी इसमें बच जाएगी जिसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कि ये जो ए कंपनी है और ये जो बी कंपनी है, जब ए कंपनी की एसेट यहाँ जाती है तो यहाँ क्या जनरल एंट्री होती है, और जब ए कंपनी बंद होने लगती है तो यहाँ क्या जनरल एंट्री होती है। सिंपली अगर मैं बोलूँ कि जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी और जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी, ये दो पॉइंट हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके बाद ये वाला चैप्टर आपका फिनिश, ठीक है, तो इसको जल्दी से याद कर लो। थैंक यू सो मच।